हमें अगला जन्म लेना पड़ता है उस मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए। लेना पड़ता है, लेना अच्छा, पड़ता है। अगर ओके। हमने हमने एक भौतिक वस्तुओं की हमने इच्छा की है, तो हाँ, ये इच्छा हो गई। आपने अच्छा, इच्छा की है मेरा बड़ा घर हो, हाँ, और अब ये जो इच्छा है, अब इसमें टाइम रूल तो काम नहीं करेगा कि कब हो, कि हाँ, छह यस मैम, महीना में हो जाए, एक साल में हो जाए, कैसे यस हो मैम, जाए। अब ये तुम्हारी एक इच्छा हो गई, और ओके, इच्छा आपने की है और बार बार की है, तो ये हाँ इच्छा अगर आपकी इस जन्म में पूरी नहीं हुई, तो उस हाँ इच्छा पूर्ति के लिए आपको आना होगा। व्हेन हाँ क्वेश्चन अराइजेस, जब या प्रश्न जाग उठते हैं तुम्हारे चित्त में, प्रश्न कहाँ उठते हैं बताओ, हाँ, प्रश्न कहाँ उठता है? मन मन में, इसमें चित में ही तो उठेगा, में, मन में। हाँ, क्यों उठता है? मन में जो ये पुराना जो विचार पड़ा है, जो पुराना आपकी धारणा है, आपका पुराना विश्वास है, वो उसको उठाने के लिए, हटाने के लिए, कि क्या कर रही है बावली, ये क्या हो गया तेरे को, तू क्या सोचती है अभी, क्यों हाँ करती है ये, तो सब कुछ जगत तो एकदम मिथ्या है, और जब ये मिथ्या जगत है, तो इस जगत के मिथ्यापन में तो क्यों ये वाली चीज की करती है? अदरवाइज तेरे को फिर आना पड़ेगा, वापस यस आना पड़ेगा बड़े घर को भोगने के लिए, इन वस्तुओं को। तो बेटर ऑप्शन है कि इस राह से रास्ता बदल ले, कुछ ओके, ऐसा जहां जिसके लिए नहीं आना पड़े। बहुत से लोग बोलेंगे कोई बात नहीं, मैं दोबारा आ जाऊंगा। तो ये हर जीवात्मा की अपनी पर्सनल चॉइस है, इट्स अ ओके चॉइस। ओके, आना निश्चित तो रूप से पड़ेगा, आना तो निश्चित हाँ रूप से पड़ेगा। क्योंकि एक बात, इस बात को और समझ लेना, जो आपकी वासना इच्छा आपके चित्त में जाके बैठ जाती है, वो आप चाहो या ना चाहो, वो बार बार उसकी आवृत्ति होती है। आवृत्ति मतलब वो बार बार चलता है विचार आपके मन में। जब बार बार चलता है, तो वो आपके चित्त में एक वो बना लेता है, एक निशान बना लेता है, एक बना लेता है। अब उसकी, जब आपका मरने का समय आएगा, शरीर छोड़ने का समय आएगा, आपका चित्त वहीं जाएगा जिसकी आपने जिंदगी भर प्रैक्टिस करवाई है। इट्स ओके, नॉट वन डे कि आपने, आप अंत समय में बोलेंगे राम नाम जो अंत बेले जो सुमिरे, हाँ, नहीं आता राम का नाम सबके मुंह पे, नहीं आएगा राम का नाम। राम का नाम उसी के मुख पर आएगा जिसने जिंदगी भर अपने आप को सरेंडर मोड में रहे, वही कर पाएगा। वरना बोलेगा अरे यार बेटों को बुलाओ, अरे भाई वो बताना रह गया, अरे भाई बैंक में वो रखा है अभी तो चाबी नहीं दी, लाख रुपए तो अलमारी में रखे हैं, 1 करोड़ तो वहां रखा है, उससे उसका माइंड वहीं रखा रहेगा, वहीं रखा रहेगा, वहीं रखा रहेगा, वो वहीं जाएगा। दिस इज तो 100% पक्का। ठीक है, यस मैम, यस मैम, थैंक यू सो मच।